हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लाल डेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन। ये है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मिजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा असम में जाकर, We are one people, we are one nation, we must live together as such, we must restore peace and calm throughout the area. ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से तीन हमारी याचना है। याचना एक, कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाए, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा, कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे, तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं, तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे।
हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, एक बार, लेकिन दूसरे कंपनी को तो अलार्म ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर, ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं। जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे। हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके यह डेटा में आज आपको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि MGNREGA में 5 करोड़ लोगों को आज MGNREGA से बाहर कर दिया है, ये आपका विकास है। तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इतना अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पर रखता हूं, धन्यवाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।